हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस गुरु जी में। आज हम बात करेंगे 65वीं बीपीएससी की तैयारी कैसे करें, संपूर्ण रणनीति, क्योंकि बहुत ही जल्द बीपीएससी अपने 65th का नोटिफिकेशन जारी करने वाला है और तमाम तरह के स्टूडेंट्स जो तैयारी करते हैं यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, वो बिल्कुल वेट कर रहे हैं इसका। बहुत सारे ऐसे भी थे जिनका 64th में बहुत क्लोज से रह गया था, उनके पास एक बहुत बड़ा मौका है कि 65th में वो इसको क्लियर कर लें। और बहुत सारे स्टूडेंट जो नए भी होंगे उनके पास भी एक बहुत ही अच्छा विकल्प, बहुत ही अच्छा ऑप्शन, वो 65th की तैयारी कर सकते हैं। तो कंप्लीट स्ट्रेटजी कैसे प्रिपेयर करें, कैसे खुद को मेंटेन रखें, इन सब पे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसमें पहला पेपर होता है जीएस का, जो हम प्रिलिमिनरी एग्जाम बोलते हैं, प्रारंभिक परीक्षा, उसमें सिर्फ जीएस आता है। एक पेपर होता है जिसमें क्वेश्चन इतिहास, भारतीय राजव्यवस्था, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, करेंट अफेयर, गणित, बिहार बेसिस और विविध, इन सभी सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न का लेवल कोई बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता, लेकिन हाँ इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो हिस्ट्री, देन साइंस एंड देन करंट अफेयर। ये तीन जो सेक्शन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप स्मार्ट रणनीति के साथ अगर तैयारी करें तो इसे आप इजीली 1 मंथ प्रिपरेशन करके भी आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तैयारी या तो पीटी फॉर्म में कर सकते हैं, सिर्फ पीटी की तैयारी कर सकते हैं, या आप पीटी प्लस मेंस दोनों की तैयारी साथ में कर सकते हैं। मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो पीटी प्लस मेंस, क्योंकि पीटी के बाद आपको बहुत ज़्यादा समय शायद ना मिले, 2-3 महीने का समय मिले, इसलिए मैं तो यही सलाह दूंगा कि पीटी प्लस मेंस दोनों की तैयारी साथ में ही करें। थोड़ा पीटी स्पेसिफिक चीज़ें देखें, जो इम्पोर्टेंट डेट है, इम्पोर्टेंट नाम है, प्लेसेज हैं, उनको ध्यान में रखें थोड़ा, बाकी आप कर जाएंगे। तो देखा जाए तो इतिहास, ये सारा सिलेबस है, इसमें आपको इतिहास, करंट अफेयर और विज्ञान पर ज़्यादा फोकस करना है, के करके नीचे बात करेंगे इसमें। देखिए क्वेश्चन आता है कि क्या करें, कैसे करें। कुछ लोग होता है कि बीसीएस का एग्ज़ाम है, एसडीएम है, डिप्टी एसपी है, कस्टम है, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम कंडक्ट इसमें लिए जाते हैं, तो उनको थोड़ा टफ लगता है। हालांकि टफ पीटी का पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, पीटी पेपर अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करें अगर अच्छे तरीके से तो पीटी आप ईजिली क्रैक कर सकते हैं। तो सवाल जो हमारे मन में आता है वो आता है शुरू कैसे करें, समय बहुत कम है, किस पर ज़्यादा ध्यान दें, महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है, क्या पढ़े क्या छोड़े। देखिए क्या पढ़े क्या छोड़े बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री बहुत ही बड़ा है, और हिस्ट्री में आप एंशिएंट, मीडिवल, मॉडर्न पढ़ने बैठे तो 2 महीने आपको यही पढ़ने में लग जाएगा। लेकिन मेरी सलाह ये होगी आप स्मार्ट अप्रोच से पढ़ाई करें। स्मार्ट अप्रोच मतलब कि आप सेलेक्टिव चीज़ों को पढ़ें, जरूरी नहीं आपको पूरा इतिहास का आपको विद्वान बनना है, नहीं, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, या हिस्ट्री हो गया, या साइंस हो गया, सब में आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए पीटी के लिए। मेंस के लिए तो हिस्ट्री की बात करेंगे, मेंस जहाँ से आता है, ठीक है, तो सारे सवालों का जवाब मिलेगा। देखिए समाधान क्या है, तैयारी हमें क्रमबद्ध ढंग से करना है, बिल्कुल एक स्ट्रेटजी के बेस्ड, ये नहीं कि हिस्ट्री पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ऐसा नहीं। आप एक टॉपिक के लिए हिस्ट्री ले, हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या पढ़ना है ना। अब हिस्ट्री में एंशिएंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देन मीडिएवल, तो वहाँ से भी आपसे मौर्य एम्पायर, क्योंकि मौर्य मगध का जो कहते हैं कि सेंटर था वो पटना, पाटलिपुत्रा, राजगीर, बिहार में ही है, तो वैसे टॉपिक जिसका रिलेशन बिहार से रहा है, तो एंशिएंट आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, देन आपके लिए इंपॉर्टेंट है मॉडर्न, देन मीडिएवल, ये सारी चीज़ें। तो इतिहास आप पढ़ सकते हैं। अगर बात करें इंडियन पॉलिटिक्स, एम लक्ष्मीकांत मुझे लगता है सबसे बेस्ट बुक है, हालांकि बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको बहुत मोटी बुक है, बहुत ज़्यादा है डीप, लेकिन मैं एम लक्ष्मीकांत इसलिए सजेस्ट करूँगा क्योंकि आपको मेंस में भी हेल्प करेगा। और इसका एक फायदा आपका एक ये भी है कि आप इसमें सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ें, जरूरी नहीं कि आप सारा पढ़ें। आप जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, जैसे डी पी एस पी हो गया, जैसे कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका, जैसे पंचायती राज सिस्टम, तो ये सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है आपको, जहाँ से क्वेश्चन राज्य विधानमंडल समझ आए ना, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक देखना है आप, सब पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत कथा कहानी इसके अंदर है। देन इकॉनमी, इकॉनमी मतलब रमेश सिंह के साथ आप जा सकते हैं, क्योंकि
मेंस में भी हेल्प करेगा आपको। और रमेश सिंह सफिशियंट बुक है, और रमेश सिंह भी में भी आपको सब चीज़ नहीं पढ़ना, आपको वहाँ भी सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें। क्या आता है भूगोल, भूगोल में आप 11th और 12th के NCERT के साथ जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको अच्छे ढंग से पढ़ना है। 11th और 12th की बुक आपको लाइन टू लाइन पढ़नी है, अच्छे से पढ़ना है। 11th 12th की बुक मुझे लगता है आप अच्छे से पढ़ लिया आपने, तो वो PT में क्वेश्चन बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। अगर समय मिले तो माजिद हुसैन आप पढ़ सकते हैं, हालांकि 11th 12th की बुक भी आपके लिए सफिशियंट है, ठीक है। देन बात करें हम साइंस की, साइंस एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट PT के लिए, लगभग 30 प्रश्न पूछे जाते हैं साइंस से, तो इसको तो स्किप कर ही नहीं सकते आप। जो साइंस बैकग्राउंड के हैं वो तो खैर यहाँ पे कंफर्टेबल है, आर्ट्स वाले भी इसको स्किप नहीं कर सकते। तो 8th, 9th और 10th इन तीन क्लासेस के NCERT अगर पढ़ लें अगर आप, तो मुझे लगता है कि आप सफिशियंट है। देन अगर आप ये नहीं भी पढ़ पाए तो लूसेंट विज्ञान की बुक आती है, उसको आप एक बार अच्छे से एक दो बार देख लें, ताकि चीज़ें मतलब ये चीज़ें याद रहे। डिजीज जो होती हैं, बायो में हम बात करें और फिजिक्स में जो इम्पोर्टेंट जो इन्वेंशन हुए, मतलब कि इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, तो लूसेंट विज्ञान की बुक आप रेफर कर सकते हैं। बात करें गणित की, देखिए मैथ्स के 10 क्वेश्चन आते हैं, और वो रीजनिंग प्लस मैथ्स वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते, जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा हो सकता है टफ हो, लेकिन वो इस पर ज़्यादा फोकस ना देगा तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन हाँ, क्योंकि अभी तक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, कहीं नेक्स्ट जो 65th उसमें नेगेटिव मार्किंग रही तो थोड़ा समस्या होगी, वरना यहाँ पर वो 2-3 नंबर इजीली जो है ऐसे भी वो कर जाते थे। तो हालांकि इसके लिए आप मेरा सलाह तो यही रहेगा कि आप इसके लिए कोई भी बुक, SSC की कोई भी बुक हो, किसी भी एग्ज़ाम की, आप उसको एक बार टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आपका, SICI हो गया, तो ये सब देख लें आप, तो सफिशियंट है आपके लिए, परसेंटेज हो गया, ठीक है ना। इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है नहीं। करेंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट 1 ईयर का करेंट अफेयर, लगभग आप अक्टूबर से लेकर के सितंबर में एग्ज़ाम होगा, तो लास्ट अक्टूबर सितंबर से लेकर के सितंबर तक का पूरा करंट अफेयर आपका क्लियर होना चाहिए, और नहीं तो बिल्कुल 19 का करंट अफेयर तो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो ये हो गया करंट अफेयर के लिए बुक कौन सी थी। करंट अफेयर के लिए बुक की अगर हम बात करें तो आप कोई मंथली मैगजीन ले सकते हैं, जो PCS के लिए UPSC के लिए आती है, ठीक है ना, उसको आप देख सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट आपको पूरी कथा कहानी नहीं जाननी, आप कहाँ पर जैसे कोई सबमिट हुआ तो कहाँ हुआ, कौन उसमें मेन था, उसमें कौन हेड था, उसमें ये सब चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। चला था टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस, देखिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है PT के लिए, खास करके आप पढ़ तो लेते हैं लेकिन आप मूल्यांकन नहीं कर पाते कि हम कहाँ पर अच्छे हैं कहाँ पर हम वीक हैं। तो टेस्ट सीरीज के द्वारा अपने एक आत्म मूल्यांकन करने का मौका मिलता है, जहाँ पर आप मूल्यांकन कर सकते हैं कि क्या मैं PT के लायक अभी हुआ या नहीं। अगर आपका स्कोर 110 115 बन रहा है तो आप अच्छी स्थिति में हैं, अदरवाइज अगर आपका स्कोर 80 85 90 तक बन रहा है तो आप बहुत ही डेंजरस जोन में हैं, आप बहुत ही क्लोज हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपनी तैयारी को समझ सकते हैं कि हाँ मेरी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 40-50 टेस्ट तो आपको करने ही चाहिए सॉल्व। तो मैं तो ये सलाह दूंगा कोई भी टेस्ट सीरीज की बुक आप ले सकते हैं, या ऑनलाइन मेरे द्वारा जो चलाया जाएगा यहाँ पे सीरीज उसको आप फॉलो कर सकते हैं। स्पेशली ये चैनल BPSC के लिए ही होगा, तो मुझे लगता नहीं कि आपको करंट अफेयर का बाहर जाने की जरूरत है। मैं प्री ओरिएंटेड क्वेश्चन बनाऊंगा जो बिल्कुल BPSC को टारगेट करके बनाया जाएगा, बिल्कुल सिर्फ BPSC के लिए। फिर हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यह चैनल आपकी तैयारी में कैसे हेल्प करेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट। तो जैसे मैंने पहले बताया कि इसके लिए स्मार्ट अप्रोच चाहिए, इस पेपर के लिए स्मार्ट अप्रोच चाहिए। UPSC हो, BPSC हो, चाहे UPPCS हो, बिना स्मार्ट अप्रोच के आप इसको निकाल नहीं सकते। क्योंकि आप सोचें कि मैं बन जाऊँ विद्वान हिस्ट्री पढ़ के पॉलिटी पढ़ के, तो कोई फ़ायदा इसका है नहीं। स्मार्ट अप्रोच का मतलब कि अभी PT दे तो PT क्वेश्चन देखिए, मेंस दे तो मेंस क्वेश्चन देखिए, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी आपका जो तैयारी का केंद्र होगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा, उसके केंद्र बिंदु में आप तैयारी करेंगे। और उसके बाद मुझे लगता है कि अगर आप तैयारी करें तो सफिशियंट है, आप आराम से इजीली क्लिक कर सकते हैं। तो स्मार्ट अप्रोच मेरे द्वारा तैयार किया जाएगा, टॉपिक वाइज तैयारी करवाई जाएगी। टॉपिक वाइज ये नहीं कि मैं आपको अब मैं राजपूताना में लगूँ सारा राजपूताना इतिहास पढ़ाने, बेसिक चीज़ें मैं बताऊँगा आपको जो PT के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस में एंशियंट मीडिवल आता नहीं है, तो इसको इतना बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ाने की आपको जरूरत है नहीं, इतना पढ़ाऊँगा इतना सफिशियंट कराऊँगा कि आप आराम से PT में आपके क्वेश्चन कर सको। फिर महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे मौर्य एम्पायर हो गया, उसको अच्छे से बताऊँगा, बौद्ध जैन हो गया वहाँ से अच्छे से बताऊँगा, तो जो इंपॉर्टेंट सिंधु घाटी सभ्यता अच्छे से बताऊँगा,
आपका मॉडर्न हिस्ट्री में खासकर 1885 से बाद का जो नेशनल मूवमेंट था कांग्रेस बनने के बाद, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, वहाँ से बताऊँगा। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, उसको अच्छे से करेंगे और टेस्ट टाइम टाइम करते रहेंगे, जिससे पता लगे कि हम कहाँ पे हैं और हमें तैयारी को कैसे आगे बढ़ाना है, तो मूल्यांकन करते रहेंगे। तो ये चैनल आपको इस पूरी तैयारी में आपकी हेल्प करेगा। आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें जीएस गुरु जी, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।